हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले आलू प्याज की पकौड़ी। आलू प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आलू और बारीक कटे हुए प्याज। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम हाथों से क्रश करके हम इसमें डालेंगे अजवाइन, एक टेबलस्पून सौंफ, दो टेबलस्पून मैंने इसमें सौंफ ऐड किए, हाफ टेबलस्पून हींग पाउडर और दो टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टेबलस्पून नमक, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबलस्पून अमचूर पाउडर, एक टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जीरा वन और एक बड़ा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। और हम इसमें न्यू फ्लेवर देने के लिए ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। बेसन हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, बाउंडिंग के लिए बेसन का यूज हमें बहुत कम करना है क्योंकि हम आलू प्याज के पकोड़े बना रहे हैं जैसे मार्केट में मिलते हैं, उस तरह के पकोड़े हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैटर रेडी कर लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक से दो करछी भर के तेल ऊपर से इस तरीके से हमारे घोल में डालकर इसे मिक्स कर दें। इसे डालने से क्या होता है फ्रेंड्स कि पकौड़ी अंदर से बहुत ही करारी, कुरकुरी, क्रिस्पी बनती है और ये तेल भी कम अब्जॉर्व करती है। तो तेल डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से ये मिक्स हो गया है और हमारा बैटर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ऑयल को भी हमने अच्छे से प्रीहीट कर लिया, ऑयल प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें चम्मच की हेल्प से या फिर हाथों से जिस तरीके से आप इसमें पकोड़े बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ऑयल गर्म होना चाहिए। ऑयल में अब हम पकौड़ी डाल देंगे। ये देखिए, हमने पकौड़े डाल दी हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो सर्दियों में आप गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ इवनिंग में आप इसने स्नैक्स में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बनकर रेडी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे एक बार पलट देंगे, दोनों साइड से अच्छे से ये सिक गई है और बहुत अच्छी पकौड़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। अब हम इन्हें प्लेट में डाल देते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हमने सभी पकौड़ी बनाकर रेडी कर ली है। अब हम इसे हरी चटनी और टमाटो सॉस और हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ी बनी है, बिल्कुल जैसे ठेलों पे और मार्केट में बनती है ना, उसी तरीके से हमारे आलू प्याज के पकौड़े बनकर रेडी हुए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे आलू प्याज के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।